आज तोड़ डाल ये सारे मिथ्स को जो आपको लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं। वैसे आपके बालों को देखभाल की ज़रूरत होती है, इधर उधर की बातें नहीं, अफवाहें नहीं, तो वो सब चीज़ें मैं बताऊंगी। सारे भांडे मैं फोड़ डालूंगी इस वीडियो में जो आपके बालों का ग्रोथ, शाइनी और लेंथ सब कोई लेना देना नहीं है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ समीक्षा, आप देख रहे हैं समीक्षा प्रज्ञा बी कन्फर्ड। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ, आपको बहुत ऐसे लोग हैं, यूट्यूबर्स हैं जो आपको मूर्ख बना रहे हैं, और यूट्यूबर्स ही नहीं बहुत लोग ऐसे बोलते भी हैं। तो बहुत ऐसे मिथ्स को मैं आज की इस वीडियो में क्लियर करूंगी जो आप अभी तक बेवकूफ़ बन गए थे और इस बातों से कहीं ना कहीं आप अनजान थे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। उससे पहले आप मेरे वीडियो के ठीक नीचे एक रेड कलर का बटन होगा, उसे क्लिक कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन, उसकी मैसेज सबसे पहले आपको मिल जाए और मेरी वीडियो को देख पाएँ, ठीक है। तो और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी तो, और लाइक भी। तो फटाफट से लेट्स गो स्टार्ट इट। सुंदर बाल हर किसी की ख्वाहिश होती है। इस जुनून में हम लोग अपने हेयर के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग अपने बालों को इस जुनून में अपने बालों को नुकसान पहुंचा देते हैं। बहुत ऐसे होम रेमेडी है, ऑयल है, बहुत कुछ ऐसे हैं जो ये चीज़ दावा करते हैं आपके बालों को हेयर ग्रोथ हो जाएगा, आपके बाल इनग्रो, अगर आपके बाल नहीं उगे हैं, आपके बाल मतलब पूरे बाल्ड है आपका पूरा ये सर, तो आपके बाल उग जाएंगे। तो ऐसा हर बहुत ऐसे ऑयल्स वगैरह ये सब दावा करती है, बट लेकिन आपको तो सबसे पहले अपने बालों के हिसाब से आपको होम रेमेडी हो या तो फिर ऑयल को चूज़ करना चाहिए जो आपके लिए सूटेबल हो। कई वुमेंस का कहना है बाल रोज़ धोने से आपके बाल हेल्दी होते हैं, आपके बाल क्लीन दिखते हैं, बट ऐसा नहीं होता है, ये वाले मिथ है। अगर आप अपने बालों को ज़्यादा वॉश करते हैं प्रतिदिन डे टू डे, तो इससे क्या होता है आपके स्कैल्प में मौजूद जो नेचुरल ऑयल होता है वो छिन जाता है, और उसमें क्या होता है आपके कोशिकाएं ज़्यादा और भी ज़्यादा उसमें ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, जिससे आपके बाल और भी गंदे हो जाते हैं और ऑयली दिखते हैं। तो ये आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। आप वनली वीक में 2 से 3 बार अपने बालों को धो सकते हैं, ये आपके लिए सही रहेगा। और हाँ, कंडीशनर लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। कंडीशनर लगाती हैं तो इससे बाल आपके स्मूथ, सिल्की और आपके बालों में टैंगल्स नहीं होते हैं। गर्म पानी से बाल धोना चाहिए, इसमें कितनी सच्चाई है वो चीज़ मैं बताती हूँ। सबसे पहले अगर आप गर्म पानी से अगर अपने बाल को धोते हैं तो उसके जो रोम छिद्र होते हैं वो खुल जाते हैं, जिसके कारण आपके बाल एकदम बेजान, रूखे, उसकी नमी छिन जाती है, जिसके कारण आपके बाल बहुत ज़्यादा बेजान, अजीब सा लगता है। तो इसमें बिल्कुल भी कहीं से भी सच्चाई नहीं है। वैसे भी अगर आप अपने स्किन के जो पोर्स को खोलना चाहते हैं तो आप लोग गर्म करके हॉट टॉवेल से अपने फेस को रैप करते हैं, या तो फिर आप स्टीम लेते हैं, तो रोम छिद्र खुल जाती है। अब रोम छिद्र खुलते हैं तो उसके लिए अगर मास्क वगैरह लगा रहे हैं तब सही है। अब रोज़ डे टू डे आप गर्म पानी से अपने बाल को धो रहे हैं तो वो तो नुकसान ही दे रहा है। तो बेस्ट आपके बालों के लिए पानी होता है नॉर्मल वाटर, जो टेम्परेचर है उससे आप धो लें, या तो फिर ठंडे पानी से आप धो सकते हैं। बाल खोलकर सोने से आपके बाल बढ़ते, इसमें कितने सच्चाई है? तो सबसे पहले मैं बता दूँ, हाँ ये सही है, बट लेकिन इसमें भी कुछ लॉस भी है आपके। अगर आप बाल खुले करके सोते हैं तो आपके बाल टैंगल्स हो जाते हैं, उलझ जाते हैं, जिससे आपको जब काम करते हैं तो आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम होगी। और अगर आप मतलब बाल को अगर चोटियाँ कर लेते हैं तो इससे क्या होता है, बाल उलझते नहीं है, टूटते कम है। अगर आप पीलो, अगर साटन या तो फिर सिल्क का यूज़ कर रहे हैं तो ये आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन नहीं लगता। अगर कॉटन की आप पीलो कवर यूज़ कर रहे हैं तो इससे आपके बालों में फ्रिक्शन लगेगी, जिससे आपके बाल कमज़ोर हो जाएंगे, बेजान हो सकते हैं। जो शैम्पू एक बार जब आप यूज़ कर लेते हैं उसको कंटिन्यूस क्या यूज़ करना चाहिए? तो इस बात में तो सच्चाई कम, प्रतिज्ञा ज़्यादा लगती है। ये अपने ब्रांड को प्रमोशन करने के लिए ये सब हवा फैलाई जाती है। दरअसल आपके जो बाल होते हैं वो मृत कोशिकाएं की बनी होती है, इसको किसी भी चीज़ की आदत नहीं होती है। इससे आप कोई भी आपकी कौन सा मतलब ये शैम्पू का वनली काम होता है धोने का, साफ़ करने का काम होता है। ये ऐसा कहीं भी ऐसा नहीं है जो आपको हेयर फॉल या तो फिर आपको बालों को नुकसान पहुंचाएगा, या कुछ भी ऐसा है। ये इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। बाल काटने से बाल बढ़ते हैं, ये मिथ तो हम लोगों ने काफ़ी लोगों से सुना भी है, बट इसमें साइंटिफिकली ये बिल्कुल भी प्रूवन नहीं है। और आपके बाल जो होते हैं यहाँ से कटते हैं और आपके बाल यहाँ जड़ों से उगते हैं, तो ये और ये इसमें कोई लेना देना ही नहीं है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं बाल आपके ग्रोथ होते हैं। और हाँ, अगर आप बाल को ट्रिम कराते इससे आपके बाल हेल्दी हो जाते हैं और दो मुँहे जो बाल होते हैं वो निकल जाते हैं, ये इसकी बेनिफिट्स हैं। बट लेकिन इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, बाल कटने से आपके बाल की ग्रोथ होती है। जितनी ज़्यादा हम लोग कंघी करेंगे उतनी ज़्यादा हमारे बाल बढ़ेंगे, बट इसमें भी इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि इतने पास हम लोग पास टाइम नहीं होते दिन में हम लोग कंघी करें। और दिन भर कंघी क्यों करें यार, बताओ। अगर आपके बालों में जो ऑयल जो नेचुरल प्रोड्यूस कर रहा है वो तो आपके बालों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। दूसरी बात आपकी कंघी, हाँ ये बात सच है, आपको कंघी करना चाहिए, बट आपको 2 से 3 बार करना चाहिए, दिन भर नहीं। इससे आपके बालों को हेयर फॉल ही हो जाएगी। हाँ, कंघी अगर वुड का अगर यूज़ करते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट होगा। इससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन को फ्लो करता है और आपके बालों को बढ़ने में मदद करते हैं। अब बात आती है सुंदर बालों के लिए और अच्छे चमकदार बालों के लिए करना क्या होगा, इसका टिप्स क्या है। तो सबसे पहले आप अपने डाइट में इनटेक किया कीजिए प्रोटीन्स वगैरह, मिनरल्स, सीरियल्स, ये सब आप अपने बालों के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, ये इनटेक करते हैं तो आपकी स्किन भी अच्छी होती है, आपके हेयर भी ग्रोथ होते हैं। बालों के ग्रोथ के लिए आप अपने मंथ में वीक पे भी लगा सकते हैं, या तो फिर मंथ में आप 2 बार भी आप हेयर मास्क जरूर लगाएं। इससे आपके बाल हेल्दी रहेगी और अच्छे भी रहेगी। और हाँ, जिनके बाल ऑयली है तो उनको क्या करना चाहिए, तो वो तो सबसे पहले वो मुल्तानी मिट्टी आती है, बहुत सस्ती आती है, तो वो आप ले लीजिएगा अपने बालों के लेंथ के हिसाब से। उसमें हनी ऐड कर लीजिएगा और उसमें नींबू, अगर उससे डैंड्रफ है तो आप ये सब मिक्स करके अच्छे से अपने बालों पे लगा लें। और आपको 15 से 20 मिनट के लिए रखना है, आपको सुखाना नहीं है। सूखते हैं तो इससे आपके स्कल्प पे जोर पड़ता है और आपके हेयर फॉल होते हैं। तो आपको बस लगा के 15 मिनट 20 मिनट आपको छोड़ के उसे वॉश कर लेना है नॉर्मल वाटर या फिर शैम्पू से। बालों की मजबूती और ग्रोथ के लिए आप चाहे तो कैशियर ऑयल तो आपके हेयर ऑयलिंग में तो एकदम होना ही चाहिए, और बादाम का ऑयल या तो फिर नारियल का भी ऑयल आप ले सकते हैं। इन तीनों को मिक्स करके आप चाहे तो एलोवेरा जेल भी मिक्स कर सकते हैं, या तो फिर आप उसमें विटामिन ई की गोली भी उसमें उसका जेल आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, या फिर एलोवेरा जेल वो सब चीज़ों को आपको मिक्स करके आपको एक स्ट्रॉन्ग तेल ऑयल बना लेना है, जिससे आपके बालों को हेयर ग्रोथ एकदम अच्छे तरीके से बहुत फास्ट कर देगा आपके हेयर ग्रोथ को। सबसे बड़ी और नोट, आपको टेंशन से तो दूर रहना है और आपको एक अच्छी नींद लेनी है। 6 से 7 या 8 मैक्सिमम आपको 8 घंटे की नींद लेनी ही चाहिए। और अगर टेंशन लेते हैं तो इससे आप गंजे हो जाएंगे, आपके हेयर फॉल होंगे। तो ये सब चीज़ आपको झेलने के लिए अगर तैयार हो तो टेंशन लो, अगर इस चीज़ को आप नहीं झेलना है, आपको बालों को अच्छा शाइनी लंबे बाल आपको दिखाना है, रखना है, तो आप इस जो भी मैं आपको अभी तक बताई हूँ उन सब चीज़ों को आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। मैं आपसे मिलती हूँ एक बेहतरीन एपिसोड्स के साथ, तब तक के लिए बाय। और हाँ, इसके बाद आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।